हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर। तो मटर पनीर के लिए सबसे पहले हमने ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और काजू को इसमें थोड़ा सा हल्के से ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसको हमने ठंडा कर दिया है। अब इसको हम मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए हम इसको पेस्ट बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। अब बनाते हैं मटर पनीर। तो चलिए दोस्तों, तो यह अब हम इसमें जीरा डालते हैं और थोड़ा सा तेज पत्ता डालते हैं। अब हम इसमें ये पेस्ट बनाते हैं जो हमने रेडी किया है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये मसाले को अच्छे से भूनने से इसका तब अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करते हैं। इसमें हल्का सा नमक डालते हैं क्योंकि हमने पहले से ही थोड़ा नमक डाला हुआ था पेस्ट में। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ये पनीर मसाला। अब इसको हम थोड़ी देर स्लो गैस में ढककर पकाएंगे। तो देखिए, 5 मिनट बाद ये कुछ इस तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हम मटर ऐड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने थोड़े मटर बॉईल कर लिए थे। फ्रेश मटर को हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। अब हम इसको इसमें ऐड करते हैं। तो देखिए, हमने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। अब थोड़ी देर हम इसको ढक के पकाएंगे, सिर्फ 2 मिनट। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको 2-4 मिनट ढक कर पका लिया है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी ग्रेवी किस तरीके से रखना चाहते हैं। तो अब हम इसमें पनीर ऐड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें पनीर ऐड कर लिया है। अब हम इसको बस 2 मिनट और कुक करेंगे, फिर ये हमारा रेडी है। अब हम इसमें लास्ट में थोड़ी सी मलाई ऐड करेंगे जिसमें इससे थोड़ा खट्टापन नहीं आएगा और मलाई से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अब हम सबसे लास्ट में डालते हैं धनिया। तो दोस्तों, ज़रूर बताइएगा आज की मटर पनीर की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।